देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है. न्यूट्रॉन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 × 10⁻⁶ सेकेंड. फिर एज्यूमिंग दैट इट स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी. टेक मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.7 × 10⁻²⁷ kg. वेल देखो, अब जो है ना, सबसे पहले तो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो भाई होता है हाफ एम वी स्क्वायर. एम तो दिया हुआ है, वी है ही नहीं. वी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 12 मीटर, टाइम कितना दिया है भाई, 3.6 × 10⁴. ये माइनस फोर ऊपर हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 3.33 × 10⁴. ये वी आ गया, यहाँ पुट कर देंगे वी स्क्वायर में. मास ऑफ कोर्स इन्होंने दिया हुआ है 1.7 × 10⁻¹. जब पुट करेंगे तो भाई फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो ये होगी 5.7. तो फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे निकली है, ये खास बात है इस सवाल में. इसी तरह एक क्वेश्चन 8 बड़ा है मैं, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम. देखो फार्मूला होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. E चाहिए m 1 ग्राम. 1 ग्राम है तो ऑफकोर्स केजी में कन्वर्ट करना है, 10³ से डिवाइड कर देंगे. C होता है 3 × 10⁸ स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, पावर 16 हो जाएगी. और नीचे देखो 10³ है, 16 में से 3 माइनस होगी. फाइनल आंसर 9 × 10³ जूल्स. अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना. रॉकेट ऑफ मास 2 केजी लॉन्च इन एयर. व्हेन इट अटेन्स हाइट ऑफ 15 मीटर द 400 जूल्स ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न. फाइंड स्पीड ऑफ रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट. देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है. पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस बर्डन के. पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो भाई ये एमजीएस से निकलती है, एम टू है, जी जाहिर है में फिक्स है, एच 15. तो एम की जगह ये, जी की जगह 10 ही रख लें, एच 15. अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. एम टू दिया हुआ है ऑलरेडी प्लस बर्डन. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन 10 की बात कर रहा हूँ. वर्डन कितना दिया है, 400 जूल्स दिया हुआ है, ठीक है. हाइट 15 थी, मास 2 था, ये 400. अब ये 2 कैंसिल, इनकी प्रोडक्ट देखो 300, ये 400 उधर जाके माइनस हुआ, माइनस 100. ऑफकोर्स वेलोसिटी में माइनस का साइन तो नहीं होता, इसका मतलब है वी स्क्वायर 100 है, तो वी बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों.